हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन प्लस स्विच एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर चेंज हो गया है क्लोन फोन के नाम से, ये आपको देखने को मिल जाता है। इसे मैं यहाँ पर अपडेट करा लेता हूँ। इसके अंदर यूआई में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, अब आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है जो कि एक क्लोन फोन के नाम से देखने को मिलता है। इसकी यूआई कुछ इस तरीके से देखने को अब मिल जाती है। अगर आप ओल्ड फोन यूजर से यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से इसको स्कैन कर पाएंगे, और न्यू फोन से कुछ इस तरीके से स्कैन करते हुए आप यहाँ पर डेटा को अपने इंपोर्ट कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर जो दो डॉट देखने को मिले हैं, इस पर टैप करके अब आप बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को। कुछ इस पर इस तरीके से आपको टैप करना है और इसको एग्री करते हुए अब आपको कुछ न्यू बैकअप अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पर टैप करते हुए उन सभी चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा। तो ये इसकी जो यूआई है वो ऑक्सीजन ओएस 11 बेस्ड यूआई यहाँ पर कर दी गई है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप इनमें क्या कुछ सेटिंग्स को चूज करना चाहते हैं वो सेटिंग्स आप चूज कर सकते हैं। ऐप आप क्या रखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर टैप करते हुए उसके कुछ इस तरीके के एरो पर आप टैप करेंगे तो वहां से आप इन्हें निकाल सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है अपने बैकअप के लिए। यहां पर मैसेज को लेकर के, और अगर आप कॉन्टैक्ट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर वो इनेबल नहीं होगा, जैसे कि मेरा इनेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट पर टैप कर देता हूँ तो ये बैकअप जो है क्रिएट करना कुछ इस तरीके से शुरू कर देता है। इसकी यूआई में भी काफ़ी हद ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाता है। अब ये मुझे लगता है कुछ इसी तरीके के सभी एप्लीकेशन जैसे कि गैलरी हुआ और यहाँ पर फाइल मैनेजर को स्पीड अप बूस्ट करना चाहिए। जिस तरीके से आप इसकी स्पीड को देख रहे हैं, पहले की यूआई थोड़ी सी कम अच्छी लगती थी परंतु अब यूआई पहले से बेटर हुई है, और साथ में इसका जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको एक साथ सभी चीज़ों को शो करा रहा है कि आपका क्या क्या डेटा यहाँ पर बैकअप में प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर सारा डेटा बैकअप हो चुका है, परंतु फर्स्ट नंबर पर एक चिन्ह आ रहा है जो कि रेड कलर से देखने को मिल जाता है, परंतु यहाँ पर एक मैसेज जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ है बैकअप के लिए। तो मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। कभी कभी कुछ मैसेज आपकी शॉर्टेज हो सकते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आज की जो डेट है वो यहाँ पर 20 जुलाई ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर चार टाइप जो मैंने डेटा किए हैं वो बैकअप के तौर पर रखे हैं। 2.82 GB का डेटा यहाँ पर मैंने स्टोरेज किया है। इसको मैं चाहूँ तो अपने फोन स्टोरेज में जाकर के चेकआउट कर सकता हूँ, और इनमें से क्या क्या चीज़ें मुझे रिस्टोर करनी है वो यहाँ से ऑप्शन आ जाता है। परंतु अगर मैं फाइल मैनेजर के अंदर दिखाऊँ ये फाइल कहाँ पर आपको मिलेगी, अगर आप इसे बैकअप के दौरान किसी और डिवाइस पर अपने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इंटरनल पर टैप करते हुए जाएंगे, और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक नया फोल्डर देखने को मिलेगा ओपी बैकअप का। इसके अंदर मोबाइल बैकअप के नाम से आपका ये सारा डेटा बैकअप में पड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा आपको, और इसे आपको कुछ सिंपली इस ओपी बैकअप वाले फोल्डर को अपने पीसी पर यूएसबी केबल के द्वारा कॉपी करा लेना है। उसके बाद आप डिवाइस को फॉर्मेट करना चाहें या फिर बीटा से स्टेबल आना चाहें, इन दौरान आपका डेटा जो रेज होता है उसे आप फिर से अपने पीसी या फिर कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट करेंगे यूएसबी केबल्स के द्वारा, इस फोल्डर को इसमें डाल देंगे। तो आप जैसे ही डालेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो ये फोल्डर है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा, और ये डिटेक्ट होने पर आपको जो क्लोन नाम से जो चेंज हुआ है एप्लीकेशन उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अब ये आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, और इस पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपना जो डेटा आपको रिस्टोर कराना है वो ऊपर की तरफ ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे और ये रिस्टोर होना आपका शुरू हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से आप इसे रिस्टोर भी करा पाएंगे। तो ये है इस एप्लीकेशन की UI के चेंजअप, साथ में इसका जो बैकअप है आप कुछ इसी तरीके से अपना कॉपी कर सकते हैं, अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा कमाल का आपके डिवाइस के लिए देखने को मिल जाता है। इसकी जो UI है वो कुछ इसी कारण से चेंजअप की गई है क्योंकि यहाँ पर कलर OS की कोडिंग यहाँ पर लाई जा रही है धीरे धीरे करके सभी एप्लीकेशन को संबंधित करते हुए। तो आप अपने डिवाइस पर इस एप्लीकेशन का अपडेट चेकआउट कर सकते हैं और अपने डिवाइस पर इस OnePlus Switch एप्लीकेशन को अपडेट करा सकते हैं। अगर आपको इसका प्ले स्टोर के द्वारा अपडेट नहीं मिला है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप अपने इस एप्लीकेशन को अपडेट करा सकते हैं। इसका अगर मैं वर्जन आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से ऐप इन्फो पर जा करके आप देख सकते हैं 5.9.019 वर्जन देखने को मिल जाता है। तो इस अपडेट पर आप अपने इस OnePlus क्लोन को अपडेट करा लीजिए। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।